तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू में, एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे और टेम्पलेट में हम लेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप इसके लिए कंट्रोल प्लस एन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे डिज़ाइन बैनर के अंदर और कस्टम स्लाइड ऑप्शन में हम लेंगे ऑन स्क्रीन शो 16:9 और इसका ओरिएंटेशन कर देंगे पोर्ट्रेट। प्रेस ओके और यहाँ पर हम कर देंगे इंश्योर फिट। तो सबसे पहले ये जो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हम इनको डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। अब मैं अपने पुराने प्रेजेंटेशन में से इसका टेम्पलेट उठा रहा हूँ ताकि एक रेफरेंस के लिए, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। और ये आप RGB कलर्स का मैंने कॉम्बिनेशन दिया है, आप यही यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आपको जो सूट करे वो यूज़ कर सकते हैं, पर एक डिज़ाइन प्रोसेस के लिए दिस कलर आई कैन से इट्स बेस्ट कलर। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक इमेज लूँगा, इमेज यूट्यूब लिंक में मैंने दिया हुआ है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉप करूँगा इमेज को। आप इमेज हैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं इमेज को क्रॉप करने के लिए, अकॉर्डिंगली कोई भी इमेज आप यहाँ डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इमेज क्रॉप हो गया है। तो जैसे ही आपका इमेज सेट होता है अपनी जगह पर, आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके ये जो बैकग्राउंड वाइट कलर आपको दिख रहा है स्लाइड का, इसको चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ RGB वैल्यू में ये जो राइट हैंड साइड पे RGB का वैल्यू दिया है 48, 152, 196, इसको डाल के ये कलर चेंज कर दूंगा। तो अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, एक सर्कलर ड्राइंग टूल लूँगा और एक शिफ्ट दबा के सर्कल ड्रॉ करूँगा ताकि एक परफेक्ट सर्कल मिले। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपको एक एलिप्स मिलेगा। और इसका मैं क्या कर दूंगा, शेप फिल का कलर कर दूंगा वाइट और शेप आउटलाइन को कर दूंगा नो आउटलाइन। अब ये जो ऑफिस गाय का लोगो है, यहाँ आप अपना लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक डुप्लीकेट किया मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट, और इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा स्केल डाउन मेरे सर्कल के अकॉर्डिंग, जो भी सर्कल बनाया है। आप चाहें तो अपना लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। अब एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट एक थोड़ा जल्दी करने के लिए यहाँ पर लिख लिया है पहले से ही, तो कॉपी करूँगा टेक्स्ट को और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। फॉन्ट मैं चूज़ करूँगा मॉन्टेसेराट। फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देंगे, फॉन्ट को मैंने बोल्ड कर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं फॉन्ट का कलर वाइट है, तो नेक्स्ट जो रहेगा वो मैं फॉन्ट का कलर वाइट कर दूंगा। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट तरीका है, आप कंट्रोल करके बॉक्स पर क्लिक करें और ड्रैग कर दें, इससे आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। अदर तरीका है कि आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके उसको डुप्लीकेट कर लें। तो मैंने साइज़ रिड्यूस कर दिया है, साइज़ रिड्यूस करके मैंने 18 कर दिया है। और अब मैं टेक्स्ट जो दूसरा टेक्स्ट है वो पेस्ट करूँगा और इसका भी मैं फॉन्ट सिमिलर कर दूँगा मॉन्टेसेराट और वाइट कलर। अब बनाते हैं ये सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाला बटन। इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लूंगा विद राउंड कॉर्नर्स, और ये राउंड कॉर्नर जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर का आइकन से दिखता है, ये आइकन जो है इसको मैं पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा, इससे मुझे एक एंड पे सर्कुलर ऐसा मिल जाएगा। मैं RGB कलर दूंगा पिंक कलर जो है 236, 0 और 140 का, और मैं इसका फिर से आउटलाइन जाके नो आउटलाइन कर दूंगा। अब टेक्स्ट मैं फिर से, अगर आप चाहें तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स है आप उसको लेके थोड़ा जल्दी काम हो जाता है कि आपको बार बार फॉन्ट और साइज़ चूज़ नहीं करना पड़ता। तो मैं यहाँ लूँगा बॉक्स और मैं यहाँ टाइप करूँगा, इसका साइज़ कम कर दूँगा बॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका बॉक्स बड़ा है तो आप साइज़ थोड़ा और बड़ा रख सकते हैं। और मैं लिखूँगा सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा ताकि बॉक्स में बिल्कुल फिट आए। ये देखिए, तो अब आपको एक फीलिंग आ रहा होगा कि डिज़ाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट जो हम एक लोगो लेंगे, आप कोई भी लोगो ले सकते हैं, अगेन ये लेंगे, और उसके बाद जो नीचे का टेक्स्ट है लास्ट जो मैंने लिखा हुआ है, एडवांस ट्यूटोरियल्स ऑन वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इसको चूज़ करेंगे और जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें पेस्ट कर देंगे। अभी फॉर्मेटिंग करना बाकी है, तो अगेन मैंने स्टाइल कॉपी किया और स्टाइल अप्लाई कर दिया है, और टेक्स्ट बॉक्स को स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सेंटर में लाने के लिए, ड्रैग करके थोड़ा सेंटर में ला लेंगे बॉक्स को, और सारे टेक्स्ट को कंट्रोल ई प्रेस करके सेंटर में कर देंगे। जो नीचे के तीन वर्ड हैं एक्सेल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उसको बोल्ड कर दिया है, और इनके बीच का जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो ज़ीरो कर दिया है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे अभी भी, तो थोड़ा कम किया साइज़। और जो बाकी बचा टेक्स्ट, टेक्स्ट को ज़ीरो, टेक्स्ट को ब्लैक कर दिया है। तो ये जो हमारा पार्ट है अभी तक का, कलर डिज़ाइनिंग सब कुछ हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें पोस्टर को, जो हमारा मतलब जो हमारा रेफरेंस पोस्टर है उस पर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बने हुए हैं, तो वो बनाएंगे हम, सर्कल लेंगे और सर्कल लेंगे हॉलो सर्कल। इसमें क्या रहता है कि हमें थिकनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन रहता है, तो थिकनेस कम किया, उसका शेप वाइट कलर का फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन दे देंगे। तो ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, इसको कर देंगे 90%, और इसकी दो तीन डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। आपको जितना चाहिए अपने डिज़ाइन में, हमारे करंट डिज़ाइन के हिसाब से हमें इसको तीन की ज़रूरत है, तो ये एक आ गया। और कॉपी करने के लिए सेम, आप चाहें तो कंट्रोल ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं, या सिंपल कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट जो है हमारा ऐड हो गया है। इसको और थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ ट्रायंगल एलिमेंट्स भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ट्रायंगल एलिमेंट्स को लिया, छोटा साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, शेप आउटलाइन को मैंने कर दिया नो आउटलाइन, शेप फिल को मैंने कर दिया है ब्लैक, और ट्रांसपेरेंसी को कर दिया है 90%। अब इसको क्या करेंगे, कहीं भी रैंडम प्लेस करके इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि एक रैंडम डिज़ाइन जैसा फील लगे। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको और पोस्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरा चैनल जस्ट जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।